गौरी कभी का बेटा जग्गू कौवा कई दिनों से मोबाइल फोन की जिद कर रहा था। जग्गू बेटे अब खा भी ले, मैंने आपकी पसंदीदा गाजर की खीर बनाई है। नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, जब तक मुझे पर्सनल मोबाइल नहीं मिल जाता कुछ भी नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। मरे तेरे दुश्मन, ऐसी बात फिर से न बोलना, शाम हो जाने दो, तेरे पापा से बात करूंगी। अब तो खा ले मेरे बच्चे। हाँ तो मम्मा, मैं शाम को ही खाऊंगा, जब पापा मुझे मोबाइल देने की हाँ भर लेंगे। ऐसे बोलकर जग्गू कौवा अपने घोंसले में बिना कुछ खाए पिए ही लेट जाता है। शाम हो जाती है, काम से थका हारा पापा कौवा घर आता है। क्या जग्गू ने कुछ खा लिया है? नहीं, सुबह से भूखा बैठा है मेरा बेटा, आप ला क्यों नहीं देते उसे मोबाइल? अभी ये बच्चा है, स्कूल भी खत्म नहीं हुआ इसका, तो ये मोबाइल में क्या करेगा? पापा, मेरे कॉलेज के सब बच्चों के पास मोबाइल है, मैं बस अकेला ही हूँ। और कुकू भी तो आपके साथ पढ़ता है, उसके पास तो कोई मोबाइल नहीं है। कालू जी, उस कुकू की होड़ ना करें मेरे बेटे की, वो तो गरीब चिड़िया है, इतनी महंगी चीज अपने बेटे को कभी नहीं दे सकती, लेकिन हम तो दे सकते हैं। हाँ पापा, मम्मा एकदम ठीक कहती है, और अब तो मोबाइल से ही सब बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनका दिमाग तेज होता है, ऐसा मेरे टीचर जी कहते हैं। मुझे सब पता है, ये बात तुम अपने मन से बना रहे हो, मैं बुद्धू नहीं हूँ। पति जी अब छोड़ भी दें जिद, बच्चा है एक मोबाइल ही तो मांग रहा है, और अब की नई जनरेशन में तो ये आम बात हो गई है। फिर पापा कौवे को दोनों की बात माननी ही पड़ती है, वो अगले दिन ही जग्गू को लेकर मोबाइल फोन की दुकान पर जाता है। कबूतर, मेरे बच्चे के लिए एक अच्छा सा मोबाइल दिखाएं। नहीं कबूतर अंकल, आप स्मार्ट और बड़ा मोबाइल दिखाएं, बच्चों वाला नहीं। कबूतर उसके लिए स्मार्टफोन निकालता है। ये देखो बहुत अच्छा मोबाइल है, सिर्फ 15,000 से शुरू स्मार्टफोन है। 15,000? इससे कम रेट में नहीं मिलेगा? आपके लिए 12,000 में लग जाएगा, इससे कम नहीं होगा, और वैसे भी बच्चे को पसंद है, आप ले ले। हाँ पापा, मैं यही मोबाइल लूंगा। फिर पापा कौवा अपने पर्स से कबूतर को पैसे देता है। मोबाइल फोन लेकर जग्गू कौवा तो बहुत खुश था। रास्ते में लौटते समय उनकी मुलाकात चिड़िया से होती है। कौवे भैया कहाँ से आ रहे हो? जग्गू बेटे क्या खरीद कर लाए हो? चिड़िया बहन, जग्गू को मोबाइल दिला कर लाया हूँ, जरा देखो तो अच्छा है। चिड़िया मोबाइल फोन अपने पंख में लेकर देखती है। मोबाइल तो महंगा वाला लगता है, क्या सच में ये मोबाइल जग्गू के लिए है? मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं तो चिड़िया, मैं ऐसा मजाक क्यों करूँगा, ये मोबाइल जग्गू के लिए ही है। इतना महंगा फोन जग्गू के लिए ठीक नहीं है, वो अभी बच्चा है। कहो था, मैंने भी ऐसे ही कहा था, लेकिन ये और इसकी माँ मेरी कोई बात नहीं सुनते। पापा पापा, चिड़िया आंटी से बाद में बातें कर लेना, अभी घर चले, मम्मा इंतजार कर रही होंगी। ऐसे जग्गू कौवा अपना मोबाइल लेकर चला जाता है। अब तो खुश है ना मेरा राजा बेटा? हाँ मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन रास्ते में रानो आंटी मिल गई थी, वो पापा को भड़का रही थी। उसका तो काम ही है दूसरों को भड़काना। खैर छोड़ो, तुम्हें तो मोबाइल मिल गया, अब खुश रहो। उस दिन के बाद जग्गू कौवा अपने मोबाइल में ही लगा रहता, ना किसी से मिलना जुलना और ना ही खेलना, बस सारा सारा दिन मोबाइल में ही बिता दिया करता। जग्गू बेटे, जब से नया मोबाइल मिला है तुम जरा भी नहीं घूमते फिरते, सुबह शाम बाहर की ताजा हवा लेनी चाहिए, जाओ थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ भी खेल लिया करो। मम्मा, मैं घर में ही ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं। नहीं जग्गू, तुम्हारे पापा देखेंगे तो लड़ाई शुरू कर देंगे, तुम जाओ। ऐसे मम्मा की डांट खाते हुए जग्गू घर से बाहर चला जाता है। नदी पर चिड़िया का बेटा, किक्की कबूतर का बेटा, तोते का बेटा सब मजे से खेल रहे थे। आओ आओ जग्गू, बड़े दिनों बाद बाहर निकले हो, अब तो खेलना भी छोड़ दिया तुमने। नहीं बुलबुले, मैं खेलने के लिए नहीं आया हूँ, वो तो मैं माँ के कहने से आ गया हूँ, मैं बच्चा थोड़े ना हूँ तुम सब की तरह, बड़ा हो गया हूँ। ऐसे कहते हुए जग्गू नदी के पास एक पत्थर पर बैठ जाता है और अपना मोबाइल चलाता है, बाकी के सब बच्चे खेलने में व्यस्त थे। तभी तेज बॉल आते हुए जग्गू के पंख में लगती है और मोबाइल सीधा नदी में जाकर गिर जाता है। ये बॉल किसने मारी थी, बताओ जल्दी बताओ। जग्गू जग्गू, ये बॉल कुकू ने मारी थी। हाँ मैं सच कहता हूँ, मेरा मोबाइल कुकू ने नदी में गिरा दिया, अभी जाकर अपनी मम्मा
माँ को बताता हूँ। जग्गू भागता हुआ घर आता है और गौरी को सब बता देता है। गौरी का बीबी तेजी से उड़ती हुई चिड़िया के घर जाती है और उल्टा सीधा बोलती है, खोलो गेट, खोलो चिड़िया, घर में क्यों घुसी हो? क्या बात है गौरी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सारे पक्षी देख रहे हैं, आप आराम से कहें, आखिर बात क्या है? देखते हैं तो देखने दो और अपने बेटे को बुलाओ, उसने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है कुछ मालूम भी है? कुक्कू डरता हुआ बाहर निकलता है। कुक्कू बेटे, आपने क्या किया है जो गौरी का भी सांस नहीं ले रही? मम्मा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं किक्की और बुलबुले के साथ नदी पर बॉल से खेल रहा था तो अचानक से बॉल जग्गू के फोन पर जा लगी और उसका मोबाइल नदी में गिर गया। बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? सुन लिया चिड़िया, और आप सबने भी सुन लिया होगा, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी, वो तो चुपचाप बैठा था। इस चिड़िया के बेटे ने जोर से बॉल मारी और मेरे जग्गू का महंगा फोन नदी में गिरा दिया। गौरी, मेरे बेटे की भी कोई गलती नहीं है, जब बच्चे वहाँ खेल रहे थे तो जग्गू नदी किनारे फोन ही क्यों चला रहा था? अरे वाह चिड़िया, बेटा नुकसान करे और माँ भरपाई भी ना करे, पूरे 15,000 का था फोन, बिल्कुल नया, मुझे सीधे सीधे फोन दो या फिर पैसे, वरना अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ चल जग्गू। ऐसे धमकी देकर गौरी जग्गू को वहाँ से लेकर चली जाती है। मम्मा चिड़िया तो बहुत चिंता में पड़ गई थी, अब ये नई मुसीबत भी आनी थी, अगर गौरी को पैसे नहीं दिए तो वो इससे भी बड़ा तमाशा करेगी, मुझे पैसे उसे आज ही देने पड़ेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर का कुछ सामान बेचती है और पैसे लेकर कौवे को दे आती है। जग्गू को फिर से नया मोबाइल फोन मिल जाता है। ऐसे ही समय गुजरता गया, जग्गू अपने मोबाइल को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता, वो हर समय फोन में ही लगा रहता। एक दिन पुलिस की जिप्सी जग्गू कौवे के घर आती है। जग्गू नाम का कौवा यहीं रहता है, उसको बाहर निकालो। जग्गू रोते हुए बाहर निकलता है, सब पक्षी देख रहे थे। अच्छा तो तुम हो जग्गू? हाँ पुलिस जी, ये मेरा बेटा जग्गू है। आपका बेटा ऑनलाइन जुआ खेलता है, हमने इसके जैसे कई सारे बच्चों को पकड़ा है। जुआ खेलता है, ये नहीं हो सकता, इसके पास तो पैसे भी नहीं है। अपना अकाउंट चेक करें, जब पता चलेगा आपका बेटा जुआ कहाँ से खेलता है। फिर कालू कौवा अपना अकाउंट चेक करता है, उसमें तो 1 रुपया भी नहीं था। गौरी हम लूट गए, मेरे बैंक में 0 बैलेंस है, अब तक की सारी कमाई इसने सब जुए में लुटा दी। अब हो गया यकीन, हमें अपना काम करने दो, हम इसे जेल ले जाते हैं और 6 महीने तक इसकी बेल भी नहीं होगी। फिर पुलिस जग्गू को पकड़ कर ले जाती है। गौरी का भी तो शर्म से पानी पानी हो रही थी, वो वहाँ मौजूद पक्षियों के सामने नजर भी नहीं मिला पाती। तो प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों पर ध्यान दें, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका धन्यवाद। रात का समय था और बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। अभी अभी रानो चिड़िया के अंडे से तीसरी बेटी का जन्म हुआ था, उसकी सास तो बहुत गुस्से में थी। जिसका डर था वही हुआ, हो गई तीसरी बेटी भी, अब क्या करूं मैं इनका? माँ जी, मैं अपनी बेटियों को रूखी सूखी खिलाकर पाल लूंगी, आप पर कोई बोझ नहीं आने दूंगी, कृपया मेरी बेटियों को ना कोसें। मैं अपने घर में 3 बेटियों को नहीं रहने दे सकती, तू तो परम फोड़ है, कभी मुझे पोता नहीं दे सकती, इसलिए मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी, तू निकल इस घर से। माँ जी कृपया ऐसा ना करें, आपके सिवा मेरा कौन है, मैं किसके सहारे रहूंगी, कृपया मुझे घर से ना निकाले। पति जी आप कुछ कहें, माँ जी को समझाएं। मैं क्या बोलूं, जैसा माँ चाहती है वही होगा। रानो चिड़िया अपनी सास के पैरों में गिर जाती है, मगर मम्मा सास को तो तनिक भी दया नहीं आती, वो रानो और उसकी बेटियों को घर से भगा देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। इधर एक बूढ़ी गाय बारिश में भीग रही थी, वो चिल्ला चिल्ला के अपनी मालकिन को बुला रही थी। मालकिन मुझे ठंड लगी है, तबेले के अंदर ले ले। गाय की मालकिन सब सुन रही थी, बस वो बारिश में भीगना नहीं चाहती थी, वो दूर से बोलती है, अब मैं तुझे बांधने नहीं आऊंगी, चुपचाप वहीं रह, चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग खराब मत कर। मालकिन मुझे ठंड लग रही है, ये बारिश बहुत तेज है, कृपया मुझे तबेले के अंदर ले ले, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इस बारिश को नहीं झेल पाऊंगी। हाँ सही कहा, अब तो बूढ़ी जो हो गई है, अब कुछ काम की नहीं, बेकार में ही तेरा खर्चा उठाती हूँ मैं।
इतना बोलकर वो गाय के पास आती है। गाय तो खुश हो जाती है, मेरी मालकिन दिल की बुरी नहीं है, वो आ ही गई, अब मुझे अंदर बांध लेगी। गाय तो ऐसे खुश हो रही थी, मगर मालकिन के मन में तो कुछ और ही था। वो गाय के गले से रस्सी निकालती है और उसे भगाते हुए बोलती है, जा जा यहाँ से कहीं दूर चली जा और कभी भी लौट कर मेरे घर मत आना। अपनी बची कुची जिंदगी किसी जंगल में गुजार, मैं तेरा और खर्चा नहीं उठा पाऊंगी। नाना मालकिन, आप ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरा घर यही है, मैं कहाँ जाऊंगी। अच्छा ये तेरा घर है तो मेरा घर कहाँ है, तुम एक जानवर हो, तुम्हारा कोई घर नहीं होता और मैंने तुझे इतने सालों घर में रखा, अच्छा अच्छा चारा खिलाया, वो कौन है। हाँ मालकिन, आपने मुझे चारा खिलाया, लेकिन मैंने भी तो आपको भर भर के बाल्टी दूध पिलाया था, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरा क्या दोष। अब सब कुछ बहुत महंगा आता है, मैं क्यों फ्री में खिलाऊँ तुझे, अब निकल यहाँ से। फिर गाय की मालकिन बूढ़ी गाय को लाठी से मार मार कर घर से भगा देती है। गाय बेचारी बारिश में धीरे धीरे चल रही थी, तभी एक कसाई की नज़र गाय पर जाती है। अरे वाह ये गाय, इसको काट कर मैं खूब पैसे कमाऊंगा, जल्दी इसे अपने घर में बांध लेता हूँ। वो कसाई इंसान जैसे ही गाय के नज़दीक जाकर उसे सहलाता है, वो तो तुरंत ही जान जाती है कि ये कोई कसाई है। वो अपनी पूरी जी जान लगा कर वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे गाय रुको रुको, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा चारा खिलाऊंगा, भागो मत मेरे पास आ जाओ, भागो मत मेरे पास आ जाओ। दुष्ट दुष्ट कसाई, मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी, भाग यहाँ से, तू मुझे काट कर बेच देगा, मैं नहीं रुकूंगी। ऐसे वो गाय तो उस आदमी के हाथ ही नहीं आती। इधर बारिश में रानो चिड़िया अपनी बेटियों के साथ बैठी रो रही थी। मम्मा मम्मा, हम बारिश में कब तक रहेंगे, आप घर चलो, और दादी माँ ने हमें घर से क्यों भगाया। मेरी बच्चियों, अब वो आपका घर नहीं है, मैं बहुत जल्द आपके रहने के लिए एक घर ढूंढ लूंगी, बस कैसे भी करके ये रात कट जाए, आप मेरे पंखों में छुपी बैठी रहो। फिर बारिश रुक जाती है, रानो अपनी बेटियों को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। सुबह को रानो चिड़िया अपनी आँखें खोलती है तो वही बूढ़ी गाय उनके पास लेटी हुई थी। पानी पानी, मुझे कोई पानी पिला दो, मैं प्यासी हूँ, मैं बहुत प्यासी हूँ। ये तो एक बूढ़ी गाय है, मुझे इसको पानी पिलाना होगा। रुकें गाय जी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर रानो तुरंत गाय के लिए पानी लेकर आती है, हरी हरी घास का चारा भी लाती है। बूढ़ी गाय को तो चारा पानी पीकर राहत मिलती है। धन्यवाद चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कल से भूखी थी। गाय जी अब आप अपने घर चले जाएं, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मेरी मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा कोई घर नहीं है। गाय की ये बात सुनने के बाद रानो चिड़िया भी चुप हो जाती है, वो क्या बोलती, क्योंकि वो तो खुद ही हालातों की मारी थी। अब उसकी तीनों बेटियों को भी भूख लग रही थी। मम्मा मम्मा, कुछ खाने को दे दो, हम रात से भूखे हैं। गाय जी मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जाती हूँ, आप कृपया इनके पास रहें, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। चिड़िया तुम बेफिक्र जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। ऐसे चिड़िया भोजन की तलाश को चली जाती है। गाय चिड़िया के बच्चों के पास ही रहती। चिड़िया के बच्चे गाय के साथ बहुत खुश थे, वो कभी उसके ऊपर बैठते। चिड़िया जल्द ही मीठा फल लेकर आ जाती है। ये लो बच्चों, मैं मीठे मीठे अंगूर लाई हूँ, आप खा ले, और गाय जी ये पौष्टिक घास मैं आपके लिए लाई हूँ, तो आप भी खा ले। इस तरह से वो बूढ़ी गाय और चिड़िया की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। चिड़िया मेहनत करके गाय के लिए छोटा सा घर बनाती है और खुद भी उसी में रहने लगती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, रोज पौष्टिक घास खा खा कर बूढ़ी गाय भी सेहतमंद हो गई थी। छोटी चिड़िया किसी बर्तन में मेरा दूध निकाल लो, मैं पौष्टिक घास खा खा कर आपको थोड़ा बहुत दूध तो दे ही सकती हूँ। फिर रानो चिड़िया एक बर्तन में दूध निकालती है, बच्चे वो दूध बड़े शौक से पीते हैं और बहुत खुश होते हैं। गाय जी आप मेरे बच्चों का कितना ख्याल रखती हैं, कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। छोटी चिड़िया आप भी मेरी कितनी सेवा करती हो, मैं तुम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह से वो सब बहुत प्यार से रहने लगे।
लगे थे। एक दिन गाय की मालकिन जंगल से गुजर रही थी, उसकी नजर अपने गाय पर जाती है। उस समय रानो चिड़िया गाय का दूध निकाल रही थी। ये बूढ़ी गाय तो पहले से ज्यादा मोटी हो गई है और दूध भी दे रही है, मैं भी इसे ले जाती हूँ। फिर वो लालची औरत गाय के पास जाती है और गाय के गले में रस्सी बांधते हुए बोलती है, चलो चलो मेरे साथ, मैं तुझे लेने आई हूँ। नहीं, आपने मुझे बूढ़ी कहकर घर से निकाल दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, अब तो यही मेरा घर है। ऐसे कैसे नहीं जाएगी, मैं तेरी मालकिन हूँ, मार मार के ले जाऊंगी। आप मेरी मालकिन थी, अब नहीं हो, और अब ये चिड़िया ही मेरी मालकिन है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। क्या ये छोटी चिड़िया तुम्हारी मालकिन है, चुपचाप मेरे साथ चल वरना ठीक नहीं होगा। देखिए, अब गाय को आपके साथ नहीं जाना तो जिद क्यों कर रही हो, चिड़िया ऐसे बोलती है। लेकिन उस लालची औरत को तो गुस्सा आ रहा था, वो एक डंडा उठाकर चिड़िया को मार देती है। तभी रानो चिड़िया की सास और उसका पति टुन्नो चिड़ा वहाँ आता है। बुरी औरत, तूने मेरी पत्नी को मारा, मैं तुझे बताता हूँ। हाँ बेटे, इसे हम छोड़ेंगे नहीं, मेरी बहू को मारा। फिर वो दोनों अपनी पैनी पैनी चौंचे लालची औरत के सर पर मारते हैं, वो तो दम दबा के वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर रानो चिड़िया तो हैरान थी। रानो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दो। हाँ रानो बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तेरे जाने के बाद हम माँ बेटों पे एक एक दिन भारी पड़ा, कल तो हम मरते मरते बचे, पूरे घर को आग लग गई थी। अपनी सास की ये बातें सुनकर रानो चिड़िया की तो आंख भर आती है, वो सारे गिले शिकवे भुलाकर उनके साथ लौट जाती है। और उस दिन के बाद वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। बूढ़ी गाय को भी एक नया घर मिल गया था, वो तो बहुत खुश थी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका धन्यवाद। गौरी कभी अपने अंडे के पास बैठी हुई थी, वो कालू कौवा घर से बाहर गया हुआ था, तभी अंडा टूट जाता है और उसमें से कौवा बेटा बाहर आता है। आ गया मेरा शेर बेटा, आ गया, मैं कब से इंतजार कर रही थी, आजा मेरे बच्चे। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बेटा, तेरा आलसी पापा आज गया है तेरे लिए नरम फल लेने, वो आता ही होगा, घर में कुछ भी नहीं है। ऐसे गौरी तो कालू के आने का इंतजार करती है, मगर वो माँ थी, अपने छोटे से बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। बेटे तुम थोड़ी देर रुको, मैं आसपास से कोई फल ढूंढ कर लाती हूँ। फिर गौरी कभी घर से निकलती है, वो फल की खोज करते करते अंजीर के पेड़ के पास पहुँच जाती है, जो कि चील की गुफा के बाहर था। मेरा बच्चा कब से भूखा है, उसके लिए अंजीर ले जाती हूँ, आस पास चील तो नहीं दिख रही, शायद शिकार पे गई होगी। फिर गौरी कभी धीरे धीरे अंजीर के पेड़ पर चली जाती है, उसने अंजीर तोड़ा ही था, तभी पत्तों में छुपी चील उस पर हमला करती है और उसे दबोच लेती है, जान से मारकर खा जाती है। इधर कालू कौवा घर आ गया था। अरे वाह, मेरा बेटा, तेरा नाम मैं जग्गू रखूंगा, तेरी माँ कहाँ है? पापा मम्मा मेरे लिए फल लेने गई हुई है, बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आई। आ जाएगी तेरी मम्मा, आ जाएगी, ले तब तक ये मीठे मीठे अंगूर खा। अपने बेटे को अंगूर खिलाकर कालू कौवा घर के बाहर गौरी को देखता है, मगर उसे गौरी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। रुको रुको चिड़िया, आपने कहीं गौरी को देखा है? नहीं कालू भैया, मैंने गौरी को कहीं नहीं देखा, लगता है आपके अंडे से बच्चा निकल आया है, आज मुझे छोटे बच्चे की आवाजें सुनाई दी। हाँ बेटा हुआ है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, गौरी पता नहीं कहाँ चली गई। कालू, क्या मैं आपके बेटे को देख सकती हूँ? हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, आप अंदर चले। कालू, आपका बेटा तो बहुत सुंदर है, ये बिल्कुल गौरी पे गया है। चिड़िया तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं गौरी को ढूंढ के लाता हूँ। ऐसे बोलकर कालू कौवा गौरी को ढूंढने चला जाता है, उसे अंजीर के पेड़ के नीचे गौरी के पंख फैले हुए दिखाई देते हैं। ये तो गौरी के पंख हैं, चील ने उसे मार दिया। अब अपने बेटे से क्या कहूँगा, उसकी माँ को चील खा गई। अपनी पत्नी की मौत पर कालू कौवा बहुत दुखी होता है और उसके पंखों को समेट लाता है। पंख देखकर चिड़िया तो समझ जाती है। पापा मम्मा कहाँ हैं? आप मेरी मम्मा को साथ क्यों नहीं लाए? छोटे बच्चे,
आपकी मम्मा अपनी माँ के घर चली गई हैं। वो कुछ दिनों में आ जाएंगी। आप तब तक पापा के साथ रहें। कालू कौवा अपने बेटे को सीने से लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, मगर वो खामोश था। चिड़िया भी अपने आंसू छुपाते हुए वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे का बेटा हर रोज अपनी माँ का इंतजार करता। वो कालू से बार बार पूछता और कोई जवाब न मिलने पर खूब रोता। दोस्तों, मेरा बेटा अपनी माँ याद कर कर के रोज रोता है, मुझसे बार बार पूछता है, मैं क्या बोलूं? उसकी माँ तो मर गई है। कालू, ऐसा कहर दुश्मन पे भी न बीते, हम समझ सकते हैं। उस छोटे से बच्चे का क्या दुख है, माँ के बिना जीवन अधूरा है और वो तो अभी 4 दिन का है। कालू, मेरी नज़र में एक कवि है, उसका पहले पति से तलाक हो गया, अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो उसे भी घर और आपके बेटे को माँ मिल जाएगी। नहीं नहीं कालू भैया, आप दूसरी शादी ना करें। सौतेली माँ जग्गू बेटे से कभी सच्चा प्यार नहीं करेगी और उसकी जिंदगी अब से भी खराब हो जाएगी। चिड़िया, और कोई एक जैसा नहीं होता। अभी जग्गू को माँ की देखभाल की बहुत जरूरत है, वो कालू से नहीं होगी। कालू कौवा दोनों की बात सुनता है। उसे मिट्ठू की बात सही लगती है और वो शादी के लिए मान जाता है और दूसरे दिन मुन्नी कवि से शादी करके उसे घर ले आता है। मिट्ठू दोस्त, पहले तूने बताया नहीं, मुन्नी का एक बेटा भी है। कालू, मैं भूल गया था, और वैसे भी तुम्हारा भी तो एक बेटा है। जैसे मुन्नी इसका ख्याल रखेगी तो तुम भी मुन्नी के बेटे को अपना बच्चा समझो। अब इसमें बुरा ही क्या है, सब ठीक तो है। ये बोलकर मिट्ठू तोता तो अपने घर चला जाता है। कौवा थोड़ा परेशान था। चिड़िया, अब तुम भी अपने घर चली जाओ, पूरी रात यहीं रहोगी क्या? हाँ हाँ मुन्नी, मैं जा ही रही हूँ। जग्गू बेटे का ध्यान अपने बेटे की तरह रखना। ये कुछ ही घंटों का था जब अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे माँ की कमी कभी ना होने देना। इतना बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पति जी, ये चिड़िया कौन थी? आज के बाद ये घर ना आए, बोल देना इससे, मुझे ये पसंद नहीं। ऐसे मुन्नी कवि अपने बेटे के साथ घोंसले में सो जाती है। जग्गू कौवा उसके पास जाकर कहता है, मम्मा, मैं भी आपके पास सोऊंगा, मुझे भी अपने पास सुला लो। नहीं जग्गू, ये घोंसला बहुत छोटा है, तुम वहीं सो जाओ, उतरो यहाँ से। फिर कालू कौवा जग्गू को अपने पास बुलाता है। वो तो हैरान था और चिड़िया की बात को याद करके सोच रहा था, शायद चिड़िया ठीक बोल रही थी, ये मुन्नी मेरे जग्गू को माँ का प्यार नहीं देगी, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी दूसरी शादी करके। ऐसे कालू कौवा रात भर सोचता है और ठीक से सो भी नहीं पाता। सुबह हो जाती है, वो जल्द ही भोजन की खोज को चला जाता है। जग्गू, चल उठ, अब सुबह हो गई है, कब तक सोएगा? ये ले, मटके में पानी भर ला, अब तो बड़ा हो गया है। जग्गू कौवा तो मटका लेकर नदी पे चला जाता है। उसके जाते ही चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। मुन्नी बहन, जग्गू कौवा कहाँ है? मैं उसके लिए मीठी भात लाई हूँ, उसे बहुत पसंद है। चिड़िया, जग्गू बेटा अभी सो रहा है, जब नींद से जाग जाएगा तो मैं खिला दूंगी, आप ये भात मुझे दे दें। चिड़िया वो भात कौवे को देकर चली जाती है। तभी उसे जग्गू कौवा पानी लाता दिखाई देता है। वो तो भारी मटका लेकर ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। चिड़िया भागकर उसे संभाल लेती है। जग्गू बेटे, ये कितना भारी है, आपको किसने बोला ये भारी मटका उठाने के लिए? माँ ने बोला, नदी से पानी भर के ला। चिड़िया आंटी, आपको एक बात बताऊं, ये मम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती, मेरी माँ गोरी कब आएगी? चिड़िया उसे कुछ नहीं बोलती, वो उसका मटका खुद उठाकर उसे घर छोड़ने जाती है। मुन्नी कवि तो चिड़िया को जग्गू के साथ देखकर चुप हो जाती है। मुन्नी कवि, जग्गू से बड़ा तो आपका बेटा है, उससे काम करवाओ, ये तो बेचारा अभी बहुत छोटा है। चिड़िया, मैं इसकी माँ हूँ, तुम नहीं, इसलिए अपने काम से काम रखो, ज्यादा ताका झाकी मत करो, अब जाओ यहाँ से, मैं अपने बच्चों का भला बुरा खुद समझ सकती हूँ। मुन्नी के ये बोल सुनकर चिड़िया भी दंग रह जाती है, वो उदास मन से चली जाती है। कुछ देर बाद कालू कौवा घर आता है। वो दो तरह का भोजन लाया था। मुन्नी कवि सूखा दाना जग्गू को दे देती है और पका हुआ आम अपने बेटे को। ये देखकर कालू की आंख फटी की फटी रह जाती है। मेरे बेटे
को सूखा दाना दिया और पका आम अपने बेटे को। यही देखने के लिए मैं दो तरह का भोजन लाया था। तुम तो बहुत बुरी हो, मेरे बेटे की जिंदगी नरक बना दोगी। नहीं नहीं कालू कौवे जी, आप ऐसा ना कहें। जग्गू को सूखा दाना पसंद है, इसलिए तो मैंने दिया, वरना मुझे क्या जरूरत थी। मुझे सब पता है, तुरंत के तुरंत बाहर निकलो मेरे घर से, मैं अपने बेटे का ध्यान खुद रख लूंगा। ऐसे बोलकर कालू कौवा उसका सामान बाहर रख देता है। मुन्नी को घर से बाहर देखकर चिड़िया तो बहुत खुश होती है। कालू भैया, आपने एकदम ठीक किया कि मुन्नी कौवी बहुत बुरी थी। मैं हूँ ना, जग्गू बेटे का ध्यान मैं रखूंगी। गोरी नहीं है तो क्या हुआ, वो मेरी सहेली थी। ऐसे मुन्नी कौवी को घर से भगा दिया जाता है। अब से चिड़िया जग्गू कौवे का ध्यान रखने लगी थी। वो जो भी खाना बनाती जग्गू के लिए पहले देकर जाती। ऐसे जग्गू कौवा थोड़ा बड़ा हो जाता है और खुद से अपना ख्याल रखना सीख जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।